हेलो एवरीवन, आज हम चैप्टर नंबर 4 दैट इज़ विंडोइंग एंड क्लिपिंग में लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम में लियांग बार्स्की एल्गोरिदम। ओके तो फिर से एक बार लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम जान लेते हैं कि क्या है। तो लाइन क्लिपिंग मीन्स कट द पार्ट ऑफ द पिक्चर विच इज़ लाइट आउटसाइड द विंडो and display the portion of a picture which is the inside the window. Okay, so here we have to examine each and every line which we are going to display, right? So we have to determine whether or not a line is completely inside or outside the window. For these things we have to do three possibilities for the line. So first one is, if the line is completely inside, then display it fully. Okay, means this line should be accepted. Second, if the line is totally outside, right, so discard that particular line. Okay, and if the line is crossing to the window's boundary, means partially inside and partially outside, then we have to find the intersection point of the line with the edge of a window and draw the portion which lies inside. Also, you can see in this particular diagram, this is a x minimum, x maximum, y minimum and y maximum. So if you want display this particular line in window, right, so we have to cut this portion and this portion, right? So हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, intersection find out करने पड़ेंगे और सिर्फ ये जो पर्टिकुलर लाइन है वो विंडो में जो है वो क्या हो जाएगी, डिस्प्ले हो जाएगी, राइट? तो इसके लिए हमने अब तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम भी देखे हैं। सो फर्स्ट वन था कोहेन सुदरलैंड एल्गोरिदम, सेकंड इज अ मिड पॉइंट सब डिविजन एल्गोरिदम, थर्ड वन इज अ साइरस बेक लाइन क्लिपिंग एल्गोरिदम एंड फोर्थ वन इज लियांग बार्स्की लाइन एल्गोरिदम, जो हम आज क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। लियांग बार्स्की एल्गोरिदम इज सेम एज द साइरस बेक एल्गोरिदम। ओके, द ओनली डिफरेंस इज अ लियांग बार्स्की एल्गोरिदम हैज बीन ऑप्टिमाइज फॉर एन अपराइट रेक्टेंगुलर क्लिप विंडो, दैट इज ओके। बेसिकली दिस लियांग बार्स्की have a created an algorithm that uses a floating point arithmetic but finds the appropriate end points with the at most a 4 computations. Okay, so this algorithm also use the parametric equation for a line and solve for 4 inequalities to find range of the parameter for which the line is in the viewport. Okay, so let's start with the algorithm. So the first step is read two endpoints line as a p1 and p2. Okay, so starting point is x1 y1 and the ending point is x2 and y2, right? Then read two corners, that is left top and right bottom. So in algorithm we are used as a window name, that is x w min and y w min, x w max and y w max. So now the third steps, we have to calculate the parameters, right, by using this follows formulas. So p and q I for so here I value is 1 2 3 4
and etc. such as P1 is equal to minus dx. Also, you can write down here delta x, okay, or you can say the x1 minus x2, okay. So, यहाँ पे आपको माइनस मिल गया है, तो P2 क्या है, यहाँ पे प्लस है. सेम है यहाँ पे P3 है, ओके. तो P3 इज इक्वल टू माइनस dy. सो यू कैन ऑल्सो यूज y2 माइनस y1 ओवर हियर, राइट. एंड P4 इज इक्वल टू dy. सो यहाँ पे जो भी माइनस में आंसर आ जाएगा वो यहाँ पे क्या होगा, प्लस होगा, ओके. देन Q1 का फॉर्मूला इज x1 माइनस xw मीन, Q2 इज इक्वल टू xw मैक्स माइनस x1, Q3 इज इक्वल टू y1 माइनस yw मीन, एंड Q4 इज yw मैक्स माइनस y1. सो बेसिकली इस थर्ड स्टेप में हम लोगों को बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला क्या करने हैं, P1, P2, P3 एंड P4, Q1, Q2, Q3 एंड Q4 की वैल्यूज़ क्या निकालनी है, ओके. इन स्टेप नंबर 4 यू हैव टू, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, ओके. सो इफ़ PI इज इक्वल टू 0, देन द लाइन इज़ पैरेलल टू इट्स बाउंड्री, ओके. अगर PI आपका क्या है, 0 है, देन आपकी लाइन क्या है, पैरेलल है, फाइन. अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, देन फिर से हमें एक कंडीशन चेक करनी है, इफ़ QI इज लेस देन 0, देन लाइन इज़ कम्प्लीटली आउटसाइड द बाउंड्री, राइट. तो हमें उसे क्या करना है, डिस्कार्ड करना है. एल्स चेक वेदर द लाइन इज़ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल, एंड आफ्टर दैट चेक द लाइन एंड पॉइंट विद द करस्पॉन्डिंग बाउंड्रीज, ओके. आफ्टर दैट द स्टेप नंबर 5 इज इनिशियलाइज T1 एंड T2 एज T1 क्या है आपका, 0 है, एंड T2 क्या रहेगा आपका, T1, ओके. देन स्टेप नंबर 6 वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यूज फॉर द QI डिवाइडेड बाय PI, ओके. फॉर I इज इक्वल टू 1, 2, 3 एंड 4. देन स्टेप नंबर 7 सिलेक्ट द वैल्यूज ऑफ QI डिवाइडेड बाय PI वेर द PI इज लेस देन 0, राइट, एंड देन असाइन द मैक्सिमम आउट ऑफ देम एज अ T1, ओके. आफ्टर दैट द स्टेप नंबर 8 इज सिलेक्ट द वैल्यूज ऑफ QI डिवाइडेड बाय PI वेर द PI greater than 0 and assign a minimum out of them as a T2. So in step number 7 and 8 we got the T1 and T2, okay. Then we have to calculate or check the condition by using T1 value and T2 value. So the condition is T1 is less than T2, then we have calculate this lines, okay, and then we get the intersection point and we have to draw this particular line. So हमारी जो लाइन है वो क्या हो जाएगी, हम लोगों को पॉइंट मिल जाएंगे क्लिप करने के लिए, ओके, एंड हमारा प्रोग्राम क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. तो ये अल्गोरिदम में ऑलमोस्ट क्या है, कैलकुलेशन है. तो बाय यूजिंग न्यूमेरिकल हम क्या करते हैं, उसे और अच्छी तरह से समझते हैं, ओके. सो यहाँ पे क्या है, न्यूमेरिकल दिया है लियान बार्स्की का, ओके. तो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन इज फाइंड द क्लिपिंग कोऑर्डिनेट्स फॉर द लाइन P1 एंड P2 वेयर P1 इज 10, 10, ओके, एंड P2 इज 60, 30 अगेंस्ट द विंडो विथ x mean एंड y mean. x mean y mean क्या दिया है आपको, 15, 15, एंड y max एंड x max क्या दिया है आपको, 25,
25, ओके तो आपको यहाँ पे क्या निकालना है, T1 एंड T की वैल्यू निकालनी है, देन कंपेयर करना है उसे, तो हमें इंटरसेक्शन पॉइंट क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे, ओके तो देखो X1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, इसलिए 10 लिखा है, राइट Y1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 10, तो 10 लिखा है, X2 की वैल्यू क्या है 60 एंड Y2 की वैल्यू क्या है 30, राइट X मीन की वैल्यू 15 है, Y मीन की वैल्यू यहाँ पे 15 दी है, X मैक्स की वैल्यू दी है 25 एंड Y मैक्स की वैल्यू क्या दी है 25, तो गिवन डेटा पहले लिख लेते हैं, राइट यहाँ पे लिख दिया। अभी हम लोगों को P1, P2, P3 एंड P4, Q1, Q2, Q3, Q4, ओके इनके क्या निकालने हैं, वैल्यूज़ निकालने हैं, ओके तो यहाँ पे देखो मैंने फार्मूला लिखे हुए हैं, तो फार्मूला लिख के यहाँ पे वैल्यू हमें क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो P1, तो P1 का फार्मूला क्या है कि -dx, तो -dx कैसे निकालेंगे, बाय यूजिंग द फॉर्मूला x2 - x1, ओके तो x1 की वैल्यू क्या है, x2 की वैल्यू क्या है 60, माइनस किया x1 दैट इज 10, तो आंसर क्या मिल जाएगा 50, ओके लेकिन यहाँ पे देखो p1 क्या है माइनस में है, इसलिए यहाँ पे क्या आ गया -50 आ गया, राइट उसके बाद P2 क्या है प्लस में लिखा हुआ है dx यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 50 आ जाएगा, राइट देन P3 का जो फॉर्मूला है वो क्या है -dy की मीन्स क्या, तो y2 - y1, तो y2 की वैल्यू क्या है 30 एंड y1 की वैल्यू क्या है 10, तो उसे माइनस किया तो आंसर क्या आ जाएगा 20, और यहाँ पे देखो हमें P3 में क्या करना है, आंसर जो मिला है उसे माइनस करना है, इसलिए आपका आंसर क्या आ गया -20, राइट देन P4 इज 20, ओके देन हमें क्या निकालना है, Q1 की वैल्यू निकालनी है, तो Q1 की वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे फॉर्मूला दिया है, तो X1 क्या है हमारा 10, राइट एंड हमारा X मीन क्या है 15, तो आंसर क्या आ जाएगा -5। वैसे ही Q2 क्या है हमारा X max कितना है 25 एंड आपका X1 क्या है 10, तो आंसर क्या आ जाएगा 15। देन Q3 इज़ इक्वल टू फॉर्मूला में देखो Q3 का फॉर्मूला क्या है Y1 - Y min, तो Y1 आपका क्या है देखो 10 है एंड Y min आपका क्या है तो 15 है, सो आंसर फिर से क्या आ जाएगा -5, राइट एंड Q4 क्या है फॉर्मूला कि Y max - Y1, ओके तो Y1 आपका Y max आपका 25 है एंड आपका Y1 क्या है तो 10 है, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 15, ओके उसके बाद हमें क्या कैलकुलेट करना है, तो PI डिवाइडेड बाय QI करना है, राइट तो कर लो, ओके QI क्या है हम लोगों के पास, सॉरी PI हम लोगों के पास क्या है -5, ओके डिवाइडेड बाय QI इज क्या है -5, PI इज -50 डिवाइडेड बाय -5, तो आंसर क्या आ जाएगा 0.1। वैसे ही PQ डिवाइडेड बाय Q2, ओके P2 क्या है 50 एंड Q2 क्या है 15, तो आंसर आएगा 0.5, राइट उसके बाद P3 डिवाइडेड बाय Q3, P3 क्या है -20 एंड Q3 क्या है आपका -5, तो आंसर क्या आएगा 0.5। देन P4 डिवाइडेड बाय Q4, तो P4 इज 20 एंड Q4 इज 15, ओके डिवाइड किया तो आंसर क्या आ गया आपका 0.75। तो आपको ये पूरा क्या करना है, जो P1, P2, P3, Q1, Q2, Q3 एंड ये सब वैल्यूज़ क्या करने हैं, निकालने हैं, ओके ये वैल्यूज़ निकालने के बाद हमें क्या करना है, T की वैल्यू निकालनी है। तो T की वैल्यू हमें कैसे मिलेगी, तो हम लोग मैक्स वैल्यू निकालेंगे एंड
मेन वैल्यू निकालेंगे। तो टी वन के लिए हम लोग मैक्स वैल्यू निकाल रहे हैं, तो मैक्स वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो यहाँ पे देखो, बाय डिवाइडिंग द वैल्यूज ऑफ की वन बाय पी वन बाय क्यू वन, पी टू बाय क्यू टू, पी थ्री बाय क्यू थ्री, पी फोर बाय क्यू फोर, हमें यहाँ पे वैल्यू मिल रहे हैं। ओके, तो उससे ही हमें क्या निकालने हैं, टी वन एंड टी टू के वैल्यू निकालनी है। अभी देखो मैक्स में हमें कौन कौन मिल रहा है। ओके, जीरो 0.25 मिल रहा है। ओके, एंड क्या मिल रहा है यहाँ पे, 0.1 मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे देखो आपका 0.25 क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। नाउ मिनिमम चेक करते हैं, तो मिनिमम में क्या है आपका, 0.3 है एंड 0.75 है। ओके, तो 0.3 आपका क्या हो गया, यहाँ पे मिनिमम हो गया, राइट? ओके, तो ये निकालने के बाद हम चेक आउट करेंगे टी वन एंड टी टू की कंडीशन। तो यहाँ पे देखो लिखा है, हियर द टी वन इज क्या, स्मॉलर देन टी टू, राइट? एंड द एंड पॉइंट ऑफ द क्लिपिंग लाइन्स आर। ओके, हमें क्या करने, अभी बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला हमें इंटरसेक्शन मिल जाएंगे। ओके, सो यहाँ पे देखो कि फॉर्मूला क्या है, x1 इज इक्वल टू x1 प्लस t1 डेल्टा x, राइट? तो डेल्टा x ऑलरेडी हमें यहाँ पे मिल गया है। ओके, दैट इज p1 की वैल्यू। ओके, तो x1 की वैल्यू इज 10 प्लस t1 की वैल्यू हमें क्या मिली है, 0.25, एंड डेल्टा x की वैल्यू क्या है, 50। तो कैलकुलेशन करने के बाद आंसर क्या आ गया, 22.5। उसके बाद हमें क्या निकालना है, yy2। ओके, सो y1 प्लस t1 डेल्टा y, तो डेल्टा y की वैल्यू यहाँ पे p3 की क्या है, दैट इज़ 20। सो 10 प्लस 0.25 इंटू 20, सो आंसर इज 15। देन x2 इज इक्वल टू x1 प्लस t2 डेल्टा x, राइट? सो x1 की वैल्यू इज 10, t2 की वैल्यू इज 0.3, एंड योर डेल्टा x, दैट इज़ p1 इज अ 50, और यू कैन से द p2। ओके, देन y2 इज इक्वल टू y1 प्लस t एंड डेल्टा y। सो y1 की वैल्यू इज 10 प्लस t2 की वैल्यू इज 0.3 एंड डेल्टा y इज अ 20, तो आंसर वी विल बी गेट 16। ओके, सो लाइक दिस वी गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ लाइन एंड वी हैव टू क्लिप द दैट पर्टिकुलर लाइन। सो ओनली द लाइन विच विल बी इनसाइड अ विंडो विल बी डिस्प्ले। ओके, सो इट इज़ वेरी ईजी अल्गोरिदम, ओनली यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूला। ओके, कंपेयर द टी वन एंड टी टू, टी वन विच विल बी यूज फॉर मैक्सिमम वन एंड टी टू विल बी फॉर मिनिमम। ओके, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो वी हैव टू कैलकुलेट एंड रिमेंबर ऑल दिस फॉर्मूलाज, सो ईजीली वी गेट द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ द लाइन, राइट? सो इट इज़ वेरी ईजी वन अल्गोरिदम, एंड एज अ एग्जाम परस्पेक्टिव ओनली द सम विल बी कम टू सॉल्व। ओके, मीन्स नॉर्मली इसके ऊपर जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व करने को आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों का लाइन क्लिपिंग जो अल्गोरिदम है, ओके, वो चार लाइन अल्गोरिदम यहाँ पे डन हो जाते हैं। थैंक यू।